सुशील सर, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल फंडामेंटल क्लासेस बरेली में। और आज हम आपको मैथ्स में पक्षांतर के बारे में बताएंगे कि हम किस तरीके से उनका पक्षांतर करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि पक्षांतर होता क्या है और हमें इसकी क्या जरूरत है। तो सबसे पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उसके बराबर में एक बेल आइकन होता है उसको जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। और सबसे बड़ी बात यह कि आप लोग वीडियो को बीच में स्किप करके चले जाते हैं, बीच में छोड़ करके चले जाते हैं, वो बिल्कुल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अंत में मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम समझते हैं पक्षांतर के बारे में कि पक्षांतर हमारा क्या होता है। पक्षांतर को समझने से पहले हम सबसे पहले समझते हैं, ठीक है, पक्षांतर को हम समझेंगे सबसे पहले कि किसी भी, आप जानते हैं कि किसी भी समीकरण के दो भाग होते हैं। आप जानते हैं किसी भी समीकरण के दो भाग होते हैं, हम इनको क्या कहते हैं? नंबर एक हमारा होता है बायां पक्ष, जिसको हम कहते हैं LHS, और एक हमारा होता है दायां पक्ष, जिसको हम बोलते हैं RHS। हम इनके बारे में समझेंगे सबसे पहले कि LHS का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड, और RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे होते हैं, ये दो पक्ष होते हैं। कैसे होते हैं? सपोज मान लीजिए हमारा कोई क्वेश्चन है, आपकी 3x प्लस का 4 इज इक्वल टू 4x माइनस 3। तो ये है हमारा, ये जो पक्ष होता है इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और ये वाला जो पक्ष होता है इसको हम बोलते हैं राइट हैंड साइड। हमें, हम किस किस तरीके से इनको ज्ञात करते हैं, किस किस तरीके से इनके मान निकालेंगे, हम आज आपको वो बताएंगे। और उसको करने से पहले मैं इसकी डेफिनेशन के बारे में आपको बता देता हूं कि पक्षांतर क्या, डेफिनेशन क्या होती है। तो डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो इसमें हम लिखेंगे कि किसी भी संख्या या राशि, किसी भी संख्या या राशि को एक पक्ष से, एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाने को ही पक्षांतर कहते हैं, जिसमें चिन्ह बदल जाते हैं। सिंपल है कि किसी भी संख्या राशि को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाने को ही हम पक्षांतर कहते हैं, और पक्षांतर करने पर हमारे जो चिन्ह होते हैं वो बदल जाते हैं। कैसे बदलते हैं? यदि हमारा प्लस होता है तो हमारा माइनस हो जाता है, माइनस होता है तो प्लस हो जाता है। कैसे? मैं इनको ही बता रहा हूं आपको कि यदि हमारा प्लस है तो जब हम इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं तो हमारा माइनस हो जाएगा, यदि हमारा माइनस है और इसको हम दूसरी तरफ ले जाते हैं तो प्लस हो जाता है, और यदि हमारा मल्टीप्लाई है तो ये हमारा डिवाइड हो जाता है, और यदि हमारा डिवाइड है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम एक क्वेश्चन के द्वारा इसको समझते हैं, पहले मैं बहुत सारे एग्जांपल दूंगा आपको कि सपोज मान लीजिए हमारे कितना है एक्स प्लस का 2 इज इक्वल टू 3। हमें इसमें मान ज्ञात करना, और हमेशा मान किसका ज्ञात करना, तो इस तरीके की राशियों का, एक्स का, वाई का, ए का, वी का। तो इसका हम सबसे पहले काम का पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर का मतलब कि हमने यहाँ पे ले लिया x, अब हमें मान इसका ज्ञात करना है, यानी एक जैसी राशियों को हमें उठा करके एक तरफ लेना होता है। तो x इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, 3 है,
और ये जब हम बराबर में ले जाएंगे, हमने क्या कहा वो कि एक तरफ से जब हम दूसरी तरफ को ले जाते हैं और प्लस होता है तो वो हमारा माइनस हो जाता है, यानी ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस का है, दो हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर वन। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसके आसानी से लेते हैं कि यदि हमारा कोई क्वेश्चन है 3 + 4x और बराबर x प्लस का 9 है। अब सिंपल कि एक जैसी राशियों को हम एक तरफ ले आते हैं, मतलब हमें क्या करना है इसको इधर लेकर के आना है और इसको हमें क्या करना है यहाँ लेकर के जाना है, यानी ये हमारे कितना है 4x है और ये प्लस है तो माइनस का x हो जाएगा, बराबर ये क्या है प्लस का हमारे पास 9 है और 3 हमारे पास काय का है प्लस का है, तो दूसरी तरफ जाकर काय का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब हमारे लिए करना क्या है कि 4x हमारे पास प्लस का है, x माइनस का है, हम इसको करेंगे माइनस, यानी 4 में से 1 को घटाएंगे तो हमारा बचेगा 3x और बराबर 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 6। अब हमें क्या करना है माइनस की सॉरी x की x का मान निकालना है, तो x है हमारे पास बराबर, मैंने आपसे कहा जो गुणा होता है वो क्या पहुंचता है भाग में पहुंच जाता है, यानी बराबर कितना है 6, ये गुणा है तो कहां पहुंच जाएगा भाग में पहुंच जाएगा, इससे इसको हम कर देते हैं डिवाइड, यानी 3 × 2 = 6, तो x का मान हमारा निकल के आ रहा है कितना आ रहा है 2। तो इस तरीके से अब हम कुछ क्वेश्चन और ले रहे हैं, हम कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। सपोज मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन हमारा 5g = 10 है, हमारा ये हमारा क्वेश्चन है, हमें मान काय का निकालना है, हमें g का निकालना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे g बराबर 10 हो जाएगा और 10 और ये हमारा 5 क्या है मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम क्या में ले जाएंगे डिवाइड में ले जाएंगे, यानी अपॉन 5 हो जाएगा, 5 बन जा 5 और 5 × 2 = 10, यानी g का जो वैल्यू आएगी वो हमारी 2 आ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, सपोज मान लीजिए हमारे पास 7x है और अपॉन 15 है और इक्वल टू हमारे पास 10 है, हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत इजी है। देखिए सबसे पहले हमें करना क्या है कि यहां पर एक ले लेना है, एक लेने के बाद में हमारा जो अगला स्टेप होता है वो हमें करना होता है वज्र गुणा, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, हम क्या करते हैं हम वज्र गुणा करने पर, जब हम वज्र गुणा करेंगे तो हमें क्या करना है 7 के x की मल्टीप्लाई हमें 1 से करनी है और इक्वल टू हमारा कितना है 15 और गुणा 10, यानी इसकी 15 गुणा हमने 10 से की है, तो 7x की 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 7x और बराबर 15 की 10 से हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। अब हमें x का मान ज्ञात करना है, हम x का मान ज्ञात कैसे करेंगे, देखिए 150 और ये गुणा में है तो कहां पहुंच जाता है भाग में पहुंच जाता है, हम अब क्या करेंगे इससे इसको देना है हमको भाग, यानी हमें जो है 150 है और इसको हमें डिवाइड करना है किससे 7 से, तो 7 दूनी हमारा 14 होता है, बचता है 1, लिया हमने कितना 0। ठीक है, अब हम फिर लेंगे 7 × 1 = 7, बचता कितना है 3, तो इसको हम कैसे लिख दें कि 21 सही 3/7, ये हमारा इसका आंसर हो जाता है। हम और क्वेश्चन लेते हैं, हम एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये हमारा, y/7 + 1 = 2, ये क्वेश्चन हमारा है, हमें करना है क्या है y का मान ज्ञात करना है, तो हम सबसे पहले इस y वाले पद को पहले रोक लेते हैं, यानी y/7 = कितना है 2 है, ये प्लस है तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, हमें क्या करना है y/7 = कितना हो जाएगा 2 में से 1 जाके। ठीक, अब फिर हमारा जो नेक्स्ट स्टेप बचता है वो क्या होता है वज्र गुणा करना होता है, यानी y की 1 से करेंगे तो y हो जाएगा = 7 की 1 से करेंगे तो 7, तो ये हमारा आंसर आ जाता है। देखिए ये तो बात हो गई हमारे आंसर, कुछ क्वेश्चंस और लूंगा मैं, लेकिन क्या ये सारे आंसर हमारे ठीक हैं, हम अब इसकी बात करते हैं कि ये सारे आंसर हमारे ठीक हैं। देखिए सबसे पहले हमें करना क्या है कि जो हमारे पास मान आता है उसको हम समीकरण में रख देते हैं, यानी यहां पर हमारा 5 है और × g = कितना है 10 है। अब हमें करना क्या है कि g का मान जो है वो हम यहां पर रख देंगे, यानी 5 तो हमारे पास ही है, g का मान हमारा निकल के कितना है 2 है,
बराबर 10, 5 की 2 से गुणा करेंगे 10 होता है और 10 बराबर 10। तो इस तरीके से यदि दोनों साइड हमारी बराबर आ रही हैं तो आंसर हमारा ठीक है, और हमारे बराबर नहीं आ रही हैं तो आंसर गलत है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में हम बात करते हैं, या फिर हम सबसे पहले ये क्वेश्चन ले लेते हैं, इस वाले क्वेश्चन में हम लेते हैं, ठीक है, यहाँ कितना क्वेश्चन है हमारे पास, वाई अपॉन सेवन प्लस वन इज इक्वल टू टू। हमें क्या करना है, वाई की वैल्यू को पुट करना है, यानी वाई इज इक्वल टू कितना, सेवन। तो वाई हमारे पास कितना है, सेवन अपॉन सेवन और प्लस वन इज इक्वल टू टू। देखिए सेवन से सेवन को जब हम डिवाइड करते हैं तो वन आता है, और यहाँ पर वन ऑलरेडी पहले से है, बराबर दो, ठीक है, वन वन टू इक्वल टू टू, यानी ये आंसर भी हमारा 100% राइट है। क्यों? क्योंकि दोनों साइड के जो आंसर हैं वो हमारे क्या हैं, इक्वल हैं। अब हम कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं हमारे कि हम आंसर भी इनका चेक कर सकते हैं। हम क्वेश्चन लेते हैं 7 प्लस 5x इज इक्वल टू 15 और प्लस 3x। हमें करना क्या है इसमें, देखिए x x की जो वैल्यू है हमें वो एक साथ लेनी है, और सिंपल जो 7 की एक वैल्यू है इसको हम क्या करेंगे, एक साथ लेते हैं। तो 5x हमारा ऐसे ही रहेगा, 5x ऐसे ही रहेगा, और 3x हमारे पास क्या क्या है, प्लस का है, तो इस तरफ आकर के माइनस हो जाएगा, यानी 5x माइनस 3x इज इक्वल टू कितना है, 15 है, और ये 7 हमारे पास प्लस का है, तो ये क्या का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। 5 में से यदि हम 7 को घटाते हैं तो कितना, 5 में से यदि हम 3 को घटाते हैं तो कितना हो जाता है हमारे पास, 2 हो जाता है, यानी 2x बराबर हमारे कितना हो जाएगा, 15 में से यदि हम 7 को घटाते हैं तो हमारे पास कितना बचता है, 8 बचता है। अब हम क्या करेंगे, x बराबर हमें क्या लेना है, 8 लेना है, और हमारे पास ये 2 है, ये कहां पहुंच जाएगा, भाग में पहुंच जाएगा, हमें क्या करना है, इससे इसको करना है डिवाइड, यानी x बराबर हमारा कितना आ रहा है, 4 आंसर आ रहा है। क्या आंसर ये हमारा ठीक है, हम इसकी जांच करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस x की पूरी वैल्यू को हम यहां पुट कर देते हैं, यानी 7 प्लस 5 इंटू एक्स और इज इक्वल टू कितना है, 15 प्लस 3 इंटू एक्स। देखिए 7 तो हमारे पास यही रहेगा, प्लस 5 भी हमारे पास यही रहेगा, और इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है, 4 है, इज इक्वल टू 15 प्लस 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 4 है। यानी जब हम क्या करेंगे, 7 प्लस 5 चौक होता है हमारे पास 20 इज इक्वल टू 15, और प्लस इनको जब हम गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 12। जब हम अब हम इनको क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 27 इज इक्वल टू, जब इसको ऐड करेंगे तो ये भी हमारे पास कितना हुआ, 27 होगा। तो हम कह सकते हैं कि आंसर हमारा बिल्कुल ही ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों साइड हमारे बराबर आए हैं। हम और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे सपोज मान लीजिए यहाँ पर हमारा है 15x माइनस 10 इज इक्वल टू 14x और प्लस का 7, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, जो हमारे पास एक्स एक्स वाले पद है इनको हम एक तरफ लेते हैं, और जो हमारे नंबर्स हैं उनको हम एक तरफ लेते हैं, ठीक है। 15x ये प्लस है तो यहाँ किसका हो जाएगा, माइनस का 14x इज इक्वल टू 7, तो ऑलरेडी हमारे पास है, हम यहाँ 7 ले लेते हैं, और माइनस है हमारे पास 10, तो दूसरी साइड जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब सिंपल सी बात है, 15x में से यदि हम 14x को माइनस करते हैं तो हमारे पास बचता है एक्स, और बराबर कितना हो जाएगा, 10, और ये कितना है, 7, यानी ये हमारे पास हो जाएगा 17। तो हमारे पास जो x की वैल्यू निकल करके आती है वो आती है 17। अब हम क्या करते हैं, इसके आंसर को चेक करते हैं कि आंसर हमारा ठीक है या फिर गलत है। तो उसके लिए हमें करना है क्या, इस पूरी इक्वेशन में हमें क्या करना है, x इक्वल टू 17 को रख देना है। हमें क्या करना है, देखिए 15 की गुणा हमें x से करनी है, और माइनस का 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 14 है, और गुणा x और प्लस का 7, ठीक है। 15 हमारे पास ऐसे ही रहेगा, और गुणा इसकी जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, आप समझिए 17 माइनस 10 इज इक्वल टू 14 की x से करेंगे, तो 14 गुणा x का मान कितना है, 17 प्लस का 7, ठीक है। अब हमें करना है कि इन दोनों की करनी है गुणा, यानी 15 सत्ते 105 होता है, हासिल 10 हो जाएगा, 15 एकम 15 और 10 25, ठीक है। अब हमारे कितना है, माइनस का 10 इज इक्वल टू 14 की जब हम 17 से गुणा करते हैं तो हमारा जाता है 238 और प्लस का 7,
राइट, इसमें से इसको हम जब माइनस करेंगे 255 में से 10 को तो हमारा जाएगा 245 इक्वल टू, और इसमें जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 7 15 हो जाएंगे, 3 और 1 4 और 245। तो हम कह सकते हैं कि ये आंसर भी हमारा ठीक है। अब हम और क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन और ले रहे हैं हम यहाँ पे। हम लेते हैं सबसे पहले 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 3 माइनस 3x, 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 3 माइनस 3x। हम इस क्वेश्चन को लेते हैं, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सबसे पहले फिर से हमें x और x के पद देखना है, यानी इनका हमें क्या करना है, पक्षांतर करना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 3x लेते हैं और ये हमारे पास क्या 3x माइनस का है, तो यहाँ करके प्लस का 3x हो जाएगा इज इक्वल टू, ये 3 हमारे पास ऑलरेडी पहले से प्लस का है, लेकिन जब हम इसको बराबर के दूसरी साइड ले जाते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस से ये क्या में पहुंच जाएगा, प्लस में पहुंच जाएगा 9। ठीक है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे 3 और 3 होता है 6x, और इज इक्वल टू जब इनको जोड़ेंगे 9 को और 3 को तो 12 हो जाएगा। हमें मान काय का निकालना है, x का निकालना है, x इज इक्वल टू कितना है 12। अब आप समझो, मैंने कहा कि जहां गुणा होता है वहां हमारा क्या हो जाता है, भाग, दूसरी साइड ले जाकर के, तो ये हम कहां ले जाएंगे, भाग में ले जाएंगे, इससे हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, आंसर आता है 2, यानी x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 2। ठीक है, इसको भी हम देख लेते हैं, एक आंसर इसका चेक कर लेते हैं। हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें इक्वेशन लिखनी है 3x माइनस के 9 इज इक्वल टू 3 माइनस 3x। भाई 3 तो है हमारे पास और x की वैल्यू कितनी है 2 आई है हमारे पास, माइनस 9 इज इक्वल टू 3 माइनस 3 इंटू 2। ठीक है, इसका कितना लगेगा, 3 दूनी 6 होता है माइनस 9, ठीक है, इज इक्वल टू 3 ऐसी रहेगा और माइनस कितना लगेगा, 3 दूनी 6, देखिए 9 में से हम 6 को घटाएंगे तो माइनस के हमारे पास 3 बचेंगे, और ऐसे 6 में से हम 3 को घटाएंगे तो माइनस के हमारे पास 3 बचेंगे। तो ये आंसर भी हमारा राइट है। ठीक है, अब हम कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं थोड़े बड़े, इन क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा। अभी हमने सिंपल क्वेश्चंस लिए थे, अब हम थोड़े से टफ क्वेश्चंस लेते हैं, और टफ क्वेश्चंस में सबसे पहले हम ले लेते हैं, समझिए यहाँ पे x प्लस 5 अपॉन x प्लस 8 इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 है हमारा। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को सबसे पहले लेते हैं, और इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, इनको बराबर में लेके आना है। तो उसके लिए हमें करना क्या है, हमारी जो फर्स्ट स्टेप है, हमें क्या करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई, या हम कहते हैं हिंदी की बात करें तो वज्र गुणा करने पर, जो हमारी वज्र गुणा होगी वो इससे हम पहले इसकी करेंगे या फिर इससे हम इसकी करेंगे, कहीं पे भी चाहो तो 4 से कर सकते हैं, चाहे हम 3 से कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले लेते हैं 4 से, हमें मल्टीप्लाई करनी है किसकी, x प्लस के 5 की, और इस बराबर तो चिन्ह ऐसे ही रहेगा, इस 3 से हमें मल्टीप्लाई करनी है x प्लस के 8 की, राइट। अब हम क्या करते हैं, इस 4 से पहले यहां मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से x से करेंगे तो 4x हो जाएगा, और इसकी इससे करेंगे हम तो कितना हो जाएगा 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 से x की करेंगे तो 3x, और प्लस का इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा 24। ठीक है, अब हमारी एक सिंपल इक्वेशन के रूप में हमारी ये आ गई। अब हमें करना ही क्या है, x x को एक तरफ लेना है, यानी 4x हमारे पास है और ये प्लस का है, तो यहां आके माइनस का 3x बराबर कितना है 24 है, ये प्लस का है तो दूसरी साइड जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, यहां पर 4x में से 3x को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचता है x, और 24 में से 20 को करेंगे तो हमारे पास बचेगा 4, यानी x की जो वैल्यू यहां पर फाइंड होकर के आई है वो आई है 4। हमें क्या करना है, अब हमें जो करना है वो करना है, x की वैल्यू को हम इस पूरी इक्वेशन में रख देते हैं, यानी इक्वेशन हमारे पास क्या है, x प्लस 5 अपॉन x प्लस का 8 और इज इक्वल टू 3 अपॉन 4। देखिए x के स्थान पर हमको 4 रखना है, 4 प्लस 5 अपॉन 4 प्लस 8 इज इक्वल टू 3 अपॉन 4। इसको हम जोड़ देते हैं सबसे पहले, यानी 8 को और 4 को और 5 को जोड़ेंगे तो 9 अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पर 12 बराबर कितना है 3 अपॉन 4। देखिए 3 से हम इसको दे देते हैं भाग, 3 से दे देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 3 3 9 और 3 4 12 यानी 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू 3 अपॉन 4, यानी ये दोनों तरीके दोनों तरफ के जो मान है वो हमारे इक्वल आ रहे हैं, तो ये x की वैल्यू जो है वो भी हमारी क्या है, सही है। अब हम और क्वेश्चन लिख लेते हैं, अब
हम ले लेते हैं यहां पर क्वेश्चन जो है बारह एक्स और प्लस का 15 बराबर है 3/4 और यहां पर कितना है 21x। ये क्वेश्चन हमारे थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी है, थोड़ा सा टफ लग रहा है, लेकिन ये टफ है नहीं। हमें करना है कि ये तो हमारा ऐसे ही रहना है, यानी 12x ऐसे ही रहेगा प्लस 15 का भी ऐसे ही रहेगा बराबर। हमें करना है कि सबसे पहला जो स्टेप हमारा क्या है, वहां हमें करना है इसके अंदर मल्टीप्लाई, यानी 3 की 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 63x अपॉन 4, यानी 63/4 आ रहा है। अब देखिए सिंपल हमारे किस रूप में आ गई, इस रूप में आ गई। हमें कुछ नहीं करना है, यहां पर अपॉन बंद कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि बंद करने से इसकी वैल्यू पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब हम क्या करेंगे, इस 4 से इस पूरे की मल्टीप्लाई, यानी 4 से हमें किसकी मल्टीप्लाई करनी है, 12x और प्लस के 15 की, और बराबर इस बंद से हमें करनी है 63x की। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से और 12 की। ठीक है, कितना हो जाएगा 48x और प्लस के कितना हो जाएगा 4 और 15 करते हैं तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा इज इक्वल टू, बन से हम इसको करेंगे तो इस पे हमारा कोई भी फर्क नहीं पड़ता, यानी बन से हम किसी भी संख्या की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये निकल के आ गया। अब हमें क्या करना है, एक्स वाले पदों को एक तरफ लेना है, यानी 48x ये क्या है 63 माइनस का 63x इज इक्वल टू प्लस है तो दूसरी साइड जाके किसका हो जाएगा माइनस का 60। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप क्या आ रहा है, यहाँ पर हमें ये देखना है कि बड़ी संख्या हमारी कौन सी है, 48 है या फिर 63 है। तो सिंपल सी बात है 63 है। ठीक है, मैंने इससे पहले जो हमारा पहला भाग था उसमें मैंने ये बताया था कि जब हमारा प्लस माइनस होता है, अलग अलग संख्याएं होती हैं तो वो हमेशा अलग अलग चिन्ह होते हैं तो वो हमेशा घटते हैं, और बड़े वाले में से हम छोटे वाले चिन्ह को घटाते हैं, 63 में से 48 को घटाएंगे। ठीक है, सबसे पहले 13 हो जाएगा, 13 में से 8 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 5 बचेगा, और यहाँ पर कितना रह जाएगा 5, 5 में से हमारा 4 जाएगा तो हमारा बचेगा 1, एक्स काय का बचेगा माइनस का 15x बराबर माइनस का 60 होता है। राइट, देखिए यहाँ पर घटाने का तरीका मैं आपको बता दूं कि क्या है, हमने यहाँ पर लिया है 48 और ये कितना है 63, 63 में से 48 को घटाएंगे, भाई यहाँ से 3 में से आपको नहीं घटा सकते तो हम यहाँ से लेंगे दाई 13 हो जाएंगे और 13 में से आपको घटाते तो हमारे पास बचता है 5, यहाँ 6 है तो 5 रह जाएगा, 5 में से 4 गया तो 1, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे घटाया है। अब हमें करना है कि ये माइनस है यहाँ पर और यहाँ पर माइनस है, माइनस से माइनस हमारा क्या होता है कैंसिल हो जाता है, हमें एक्स की वैल्यू को निकालना है तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 60, और चूंकि पक्षांतर कर रहे हैं तो गुणा वाली भाग चीज हमारी कहाँ पहुंच जाती है भाग में, इससे इसको हम करते हैं डिवाइड, यानी 15 × 4 = 60, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है 4 आ रही है। ठीक है, अब हम क्या करें उत्तर की जांच इसकी भी कर लेते हैं। ठीक है, कि ये हमारा आंसर ठीक है या नहीं है, भाई एक्स की वैल्यू कितनी 4 है, हमें इस पूरी समीकरण में एक्स बराबर 4 रखनी है, यानी 12 गुणा एक्स और प्लस का 15 बराबर कितना हो जाएगा 3/4 और गुणा 21 और गुणा हमारा कितना है 4 है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, मतलब 21x है फिलहाल, तो यहाँ पर देखो 12 ऐसी रहेगा गुणा एक्स की वैल्यू कितनी है 4 है प्लस का 15 बराबर देखिए 3 गुणा 21 और गुणा हमारे पास कितना है 4 है बटे कितना है 4 है। ठीक है, हम इनकी गुणा करते हैं, सबसे पहले 12 × 4 = 48 होता है और 48 में हमें कितना जोड़ना है 15 जोड़ना है बराबर इस 4 से 4 को कैंसिल कर देते हैं 3 है ना और गुणा 21 हमारे इसको जब हम जोड़ेंगे 15 को और 48 को तुम्हारा कितना और 8 और 5 कितना होता है 13 4 5 और 6 63 इज इक्वल टू ये भी कितना आ रहा है 63 तो हम कह सकते हैं कि ये आंसर भी हमारा ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज सीखा कि किस तरीके से हम संख्याओं का पक्षांतर करते हैं और किस तरीके से उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और इसमें बच्चे हमेशा गलतियां कर देते हैं, उनकी समझ में ही नहीं आता है कि हमें गुणा का हमें प्लस का माइनस भी करना होता है, माइनस का प्लस भी करना होता है, या फिर मल्टीप्लाई को हमें डिवाइड में चेंज करना होता है, फिर डिवाइड को हमें मल्टीप्लाई में चेंज करना होता है। तो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ये नहीं जानते हैं कि हमारी वज्रगुणा यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे की जाती है, तो आज मैंने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया और आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत
अच्छा लगा होगा, यदि अच्छा लगा हो तो उसको लाइक जरूर करिए और अपने मित्रों में शेयर कीजिए, और इसमें कोई भी टॉपिक ऐसा हो जो आपकी समझ में ना आया हो तो उसको कमेंट बॉक्स में आप जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।